सर राइट में सर सर अरे पीछे से लाइट आ रहा है अरे कौन हाँ आगे जा रहे तो आगे आगे जा रहे अरे गाड़ी आगे जा रहे हट जाओ थोड़ा उठा उठ जा मैडम मैडम जरा उठा उठाइए अरे क्या कर रहे हैं अरे क्या कर रहे हैं क्या होड़ा पुणे हाँ सर जी इधर आइए सर जी हाँ उधर आइए इधर आइए ये अपनी अपनी जगह पे जा सामने लुक सेंटर लुक सेंटर पीछे चल रहे हैं लुक सेंटर लुक सेंटर लुक सेंटर बेटा यहाँ पे निकल के गया ना तो अच्छा लगता है दुर्गेश भाई क्या करते हैं क्या सर उसको उठाइए हाँ सर जी सर अदनान सर एक अदनान अदनान होल्ड अदनान यहाँ पे देखिए अदनान यहाँ पे राइट में राइट में अदनान यहाँ पे सर अदनान सर अदनान सर अदनान सर यहाँ पे एक पे ग्रेविटी एक्ट नहीं करती तो थोड़ा ब्लिंक से वजन बढ़ाना पड़ता है आप तो नोटिस कर चुके होंगे बाद में आप लोग में से कौन कौन अपने सनग्लासेस लेके आए हैं शेड्स शेड्स नहीं लाए लाए होते तो अच्छा होता ना क्या ये सब देख के आपके आंखों में मोतिया बिंदु हो जाएगा तो आई कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरा रिकी सिंह तुसी किस रहो गुड मॉर्निंग वेलकम थोड़ा हू हू करना होता है जब मैं हाथ ऐसे करूंगा आपको हू हू करना है क्या करना है हू वन टू थ्री चंगे हो तुझे इन्होंने स्टार्टर बंद के दें यार तू इनको पैक करा के देना घर पे लेके जाएंगे माय नेम इज रिकी सिंह वो रेड एफएम पे एक शो आता है शाम को आरजे का नाम क्या ऋषि कपूर ऋषि कपूर ऋषि कपूर मैंने उसके शो का एक घंटा खा लिया वो कितने सारा नॉन फिल्मी म्यूजिक बन रहा है इतना चंगा वाला तो उसके लिए एक अलग शो देना पड़ता है 10 9 8 7 ऐसे करके हम पूरा काउंट डाउन कर देते हैं तो वो भी हम भी करते हैं और आज हम बड़े ही अच्छे मौके के लिए यहाँ पे आए हैं बाय द वे रिकी सिंह कनेडा से आया है रिकी सिंह स्ट्रगल कर रहा है रिकी सिंह लोखंडवाला में 8-8 लोगों के साथ ही बैठ के सो जाता है तो अभी हमारे सपने भी मिक्स होने लग गए हैं सर इतने नज़दीक नज़दीक होते हैं लेकिन उस सबके पहले मैं आपको बता दूं मैं बड़ा हैप्पी हूं इधर होने को यार मैं बड़ा ही हैप्पी हूं क्योंकि ऐसा है ना कि मेरी एक सुपर पावर है मैं आपको बताता हूं फ्राइडे को मेरा शो आता है 5 से 6 नॉन फिल्मी बहुत ही अच्छा वायरल काउंटडाउन मैं ना किसी की भी शक्ल दिखा के बोल सकता हूं कि उसकी शक्ल पे कितने व्यूज़ हैं मैडम जी जो फ़ोन पे हैं हाँ जी आपका नाम क्या है हाँ जी अनन्या अर्चना जो भी है बड़ा चंगा है आपके चेहरे पे मुझे 17 मिलियन व्यूज दिखाई दे रहे हैं मस्त आपका वीडियो आएगा रिकी तेनू हिट कर देगा आपका नाम क्या है हाँ
Ananya, नहीं आपके चेहरे पे व्यूज नहीं, सिर्फ नाम पूछना था, अच्छे लग रहे हो. गुड, वेल डन, थैंक यू सो मच. भाई इसके पहले कि मैं शुरू हो जाऊँ, अपना काम शुरू करूँ, आपको सब पता ना हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं. क्योंकि हमारे यहाँ साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, पद्मश्री हैं, बहुत ही चंगे हैं, मेरे से बस थोड़े से ज़्यादा क्यूट लगते हैं. अज दे स्टार जिन्हों का नया सॉन्ग आया है, अदनान सामी. Sir G, welcome. Wow. Sunglasses, please. Sir G, welcome. Kine tusi change lag rahe ho, ne cute lag rahe ho. Shoes tode Ricky to bhi change hain. Bada hi acha lag gaya aapko aa dekh ke. Nahi nahi nahi. Matlab ki this is like export quality. Yes, right. Yahi Lokhandwala se export kiya tha. Sir G, kitna changa lag raha hai tonu aap jab bhi gaane banate ho, matlab आपको और टी सीरीज का पता नहीं क्या अलग ही रिश्ता है. ये सुबह उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तेरा चेहरा इतना बड़ा हिट. आप लोग टैलेंट का यूज करने दे, वेट नहीं करते हो. पहले तो बहुत ज्यादा वेट के साथ हम करते थे. हाय हाय. अब सोच में वेट है. हाय हाय, जोरदार तालियां. सर जी स्टैंड अप भी कर ले देने, मतलब कितना चंगा है. सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप ऐसे गाना सोचते हो, यू नो यू डिसाइड कि ये गाना हमने बनाना है, वो दिल से फील आती है, गोवा वोवा जाना पड़ता है, मतलब ये गाने आप इमीडिएट कैसे? इस तरह के गाने जब आते हैं तो एकदम दिल को छूते हैं. जब वो दिल को छूते हैं तो अगर हमारे दिल को छू जाते हैं तो हमको फिर यकीन है कि अगर हम दिल से गाएंगे तो दुआ ये होती है कि लोगों के दिल में भी बस जाएँ. बहुत ही अच्छा है. अच्छा वैसे दिल में बसने से बात याद आई, सलमान खान सबके दिल में बसते हैं, आपके बड़े चंगे फ्रेंड हैं, आपको बड़ा उन्होंने एक्सेस दे दिया था मुझे, यहाँ तू गाना बता. तो ये जो गाना हमारा तू याद आया, इतना स्पेशल सॉन्ग है, आपने बड़े स्पेशल बंदे को फर्स्ट में दिखाया, तो उनका रिएक्शन की सी? He loved it. बहुत पसंद आया उनको. अच्छा. Yeah, he loved it. And, वीडियो भी उन्होंने देखी और गाना भी सुना, तो he loved it. बहुत मतलब अच्छी वाइब आ रही है मुझे इस गाने से. बाय द वे गाना थोड़ी देर पहले आउट हुआ, लेट मी बी द फर्स्ट वन टू टेल यू, विद इन 28 मिनट्स वी हैव क्रॉस 3 लाख व्यूज ऑन द सॉन्ग ऑलरेडी ऑन YouTube. वाओ, 3 लाख व्यूज, दैट इज ब्रिलियंट. मतलब सर रात तक अगर मुझे गाने पर आप सबकी वजह से एक एक मिलियन व्यूज नहीं आए, रिकी सिंह खुद तुम्हारे कार आएगा, तुम्हारे फोन से गाना देखेगा. बाकी आप देख लेना. तो क्योंकि यहाँ पर अदनान सर मेरे साथ खुद खड़े हैं, देख लें हमारा क्यूटी बाय द न्यू सॉन्ग तू याद आया, देख ले एक साथ. चलो जी कर लेते हैं. अच्छा. बड़े जूते भी खाए हैं. ये तो मैं बिलीव नहीं कर सकता. हाँ, ये बड़ी लंबी दास्तान है, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा. अलग से आप लोग आना लंबी दास्तान के लिए विद रोहित सिंह एंड अदनान सर. बहुत हार्डवर्क होता है ऐसा कोई गाना बनाने में, और जो हार्डवर्क आपको ब्लूटूथ लिटरली कर सकते हैं. भूषण सर, भूषण कुमार जी कितने हो तुसी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, द वन एंड ओनली द विजन बिहाइंड द सॉन्ग. सर जी यहाँ आ रहे, जोरदार तालियां. सर जी वेलकम, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ा अच्छा लग रहा है. मैंने सुना आप लोग बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, मतलब एक दूसरे की वाइफ की गॉसिप भी कर लेते हैं आप लोग. तो मतलब कैसी आपकी दोस्ती इनके साथ, पहले ये बताएं. सी बहुत पुराना रिश्ता है, मुझे अभी भी याद है जब इनका गाना भीगी भीगी रातें पहली बार आया था, और वहाँ से हमारा एक एसोसिएशन शुरू हुआ था. वो गाना हमारे पास नहीं था तो, और हमारा जब एसोसिएशन शुरू हुआ तो मुझे आज भी याद है जब इनके मैं लोखंडवाला वाले घर पे जाता था, दैट टाइम ही वॉज ट्रिपल हिज साइज, दैट टाइम आई वॉज अ ग्रुप. सो वहाँ हमने तेरा चेहरा बनाया था, वो एल्बम बनाई थी, एंड दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट सुपर बिग एल्बम जो हमने काफ़ी मेहनत करके, आई थिंक वी यूज टू डू सिटिंग्स, लॉट ऑफ सिटिंग्स फॉर ऑल द सॉन्ग्स, एंड वो एल्बम बहुत लोगों को पसंद आई, और हमने उसमें फर्स्ट टाइम आई थिंक एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स को वीडियो कोई करता नहीं था एक्टर्स, सो वेरी गुड एसोसिएशन. उसके बाद काफ़ी हमने एल्बम्स की, काफ़ी एल्बम्स बहुत अच्छी चली, और फिर फिल्म्स में गाने किए,
तो बहुत लंबा है एसोसिएशन एक्चुअली. और ये गाना जो है ना स्पेशल है, इट्स अ लव सॉन्ग, इसमें इतना सोल है. ये गाना कैसे आप लोगों ने मिलके मतलब कंसेप्चुलाइज किया? आपने भी कुछ ऐसे आइडियाज दिए होंगे, इट मस्ट हैव कम फ्रॉम समवेयर. एक बहुत इंस्पिरेशन होती है ऐसे गाने के पीछे अक्सर. सी ये सॉन्ग आई थिंक हमने, हमें 6 महीने लगे बनाने में, या क्योंकि काफ़ी गाने थे जो हमने सुन के रिजेक्ट किए. फिर कुणाल जो हमारे साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, उन्होंने गाना कंपोज किया है और लिखा भी है, बहुत खूबसूरत लिखा है. और अगर आप देखेंगे इसमें उस टाइप की फीलिंग है जैसे अदनान सामी के गानों में हमेशा पाई जाती है. आप देखेंगे तेरा चेहरा, हमने दिल कह रहा है दिल से किया, काफ़ी गाने हैं. तो वो मेलेडी को ध्यान में रखते हुए हमने ये गाना मैंने चूज़ किया. और हमने बहुत टाइम लगाया एक्चुअली. काफ़ी गाने थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गाने थे जो ये करना चाहते थे, बट आई वॉन्टेड ही शुड कम विद दैट काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया जो इतने साल पहले लोग गाने इनके सुन सुन के आज भी सुनते हैं. और जिन्होंने ये गाना लिखा है और साथ में म्यूजिक भी बनाया, कुणाल वर्मा को मैं बुलाना चाहूँगा. बहुत मेहनत लगती है, हम 3 मिनट में गाना देख के बोल देते हैं अच्छा है बुरा है, लेकिन जो 6-6 महीने इस पर काम करते हैं, पूरा खून पसीना एक करते हैं, बड़ी कूल लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके और मेरे क्लासेस, एकदम मजा आ गया. मैंने सुना आपका नाम वैसे कुणाल वर्मा है क्योंकि आपने डबल ए वगैरह लगाए हुए हैं, सही बात है? हाँ, वो मेरे एक दोस्त ने लगा दिया था. नहीं, काम तो कर गया, अदनान जी के साथ गाना मिल गया. इनको भी अदनान वो नहीं करवाया आपने वैसे. अच्छा मुझे बताइए, अदनान के बारे में आपने मतलब सोचा था, जब ये गाना इंसान है ना विजुलाइज कर लेता है, जैसे आप आगे जो गाने लिखोगे मेरे को सोच के, वो आपने विजुलाइज किए होंगे, इस गाने पे भी आपको एक विजन आई होगी? नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा कि अदनान सर के लिए मतलब म्यूजिक करना, मतलब मेरे को मौका मिलेगा. बट एक बार TC से फ़ोन आया क्योंकि सर ने गाना सुना हुआ था भूषण जी ने, तो वो बोले कि एक अदनान सर से मिल लो जाके एक बार. तो मुझे पता ही नहीं था क्यों जा रहा हूँ मैं. तो मैं गया तो सर बोले कि यार ये गाना मुझे बहुत पसंद है और इसको सिंगल करना है. तो मैं ये सोचा था, मैंने कहा सर तो खुद ही म्यूज़िक करते हैं, मतलब मेरे से, मतलब मैं वो उसी वाइब में था. सर ने मुझे मौका ही नहीं दिया, ये पियानो पे बैठ गए और इसको ऐसा करते हैं वैसा करते हो. मैं सब सोच रहा कि अब प्रोग्रामिंग कौन करेगा. तो सर ने मुझे काफ़ी सारे रिदम बताए बोल के कि ऐसा करना है वैसा करना है. मेरा क्या, ये इंडियन रिदम पे थोड़ा कम समझ है मेरी. तो फिर फाइनली यादी भाई को मैंने जाके मुंह से सुना रहा था कि मैंने कहा यादी भाई ऐसा सा कुछ बताया आप, देखो क्या है. एंड देन फिर ये समझते थे यादी भाई ऑलरेडी पहले से ही कि मुझे पता है उनको क्या चाहिए. एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग कम्स. अदनान वैसे बड़े कूल है काम करने के लिए साथ में, मैंने इनके बारे में बड़ा सुना है, मतलब एकदम चिल विल, बैठ जाते खाओ पियो या टेंशन नहीं, काम तो होता रहेगा. हाँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब पहली बार सर और आदि भाई जब काम कर रहे थे तो हम लोग बैठे थे, मुझे लगा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा. 5 बज गए रात को, ये लोग जैसे खेलते हैं ना, दोनों कीबोर्ड से खेले जा रहे हैं, हम सो गए बैठे बैठे. और फिर 6 बजे बोलते हैं कि हाँ आज का हो गया, कल फिर से बैठेंगे हम लोग. तो ये 3 रात कंटिन्यू ये दोनों लोग बैठे थे. और सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड ये मेरे लिए ब्लेसिंग है. एंड सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे बुला के मेरी पीठ थपथपा के बोला था कि कुणाल तू बहुत अच्छा काम करेगा, बस तू याद रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही चंगा लग रहा है. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का, वो यहाँ पर नहीं है पर उन्होंने मैसेज दिया है. अक्सर मुझे मतलब गुड नाइट वगैरह वो मैसेज करती हैं, लेकिन आज जो है उनका एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो हम स्क्रीन पे देखेंगे. चंगा लगेगा तो मतलब जोर जोर से तालियां मारना. कैन वी प्लीज द मैसेज प्लीज. देखो फिट नहीं होगा अपन अगले वीडियो में तो कीटो कर. ज्वेलरी बहुत आ गई थी, ज्वेलरी बहुत आ गई थी जी. मैं पूरा झूमर पहन के आया हुआ, पूरा ऐसा प्रिंसेस नहीं थी ना. हाँ जी, वो तो इसलिए वो. हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है. वैसे एक सरप्राइज मेरे पास आप लोग के लिए, ये पियानो यहाँ पे बस ऐसे ही नहीं पड़ा है, इसका कुछ होने वाला है बहुत बड़ा. क्या है कि अदनान सर जब उंगलियां इस पे लगाते हैं ना, गोली की तरह बिल्कुल चलती है और आवाज जो आती है आई हाय. अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो सर शायद इस पे कुछ प्ले कर दे. दिस इज द टाइम टू गेट इट डन. क्या बोलते हो सर जी? पब्लिक डिमांड है. सर आंखों पे चलिए कर लेते हैं हम. आइए क्या सुनेंगे. ये घूमेगा इससे.
2. Is there a reverb? Two. मेरे ख्याल में सबसे पहले वो गाना करना चाहिए जिसके साथ हमारी एक शुरुआत हुई थी. हाँ, पियानो थोड़ा यहाँ पे कम कर दो, आवाज़ ज़्यादा दे दो.